जब मैं आपकी स्टोरी सुन रही हूँ या फिर मैं जितने भी अपने गेस्ट से बात करती हूँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रिस्क जरूर लिया होता है उसके बाद ही आप यू नो वो मुकाम हासिल कर पाते हैं जिसकी आपने हमेशा से ही कामना करी होती है मेरे पापा मेरे को बिजनेस में हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि अभिषेक अगर आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है लाइफ में तो आपको वो काम आना ही चाहिए कुछ टर्निंग पॉइंट ऐसा है कि हमको घर से निकाल दिया गया कि बोला कि नहीं अभी तुम जा नहीं रह सकते तुम बार खुद का घर बनाओ मैंने एक बात सुनी थी लाइफ में कि अगर आप इस सिक्के को दस बार उछालते हो तो ना तो दस बार टेल आता है और ना ही दस बार हेड आता है वन यूनिवर्स अलायंस इज स्टार्ट फॉर दैट वन चांस यू स्टेप्ड ऑन द पेडल एंड ड्राइव एट द फुल स्पीड प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में मैं कभी नहीं सोचता था हमेशा स्केलेबिलिटी के बारे में सोचता था क्या बिजनेस में धंधा तो आ नहीं रहा है और आप स्केल करोगे दोस्तों 2010 में जब वर्ल्ड मार्केटिंग को एक नई पहचान मिल रही थी और कंटेंट क्रिएटर्स हमारी जिंदगी का धीरे धीरे हिस्सा बन रहे थे और आज उसे हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के नाम से जानते हैं इस इंडस्ट्री का ग्रोथ 2022 में तकरीबन 15 बिलियन डॉलर का हुआ है सिर्फ 12 साल में इस इंडस्ट्री ने जो जे कर्व ग्रोथ हासिल की है अगर फ्री प्रेस डॉट कॉम के डेटा को देखा जाए तो तकरीबन 2023 तक में कंपनीज और ब्रांड्स इस इंडस्ट्री में बत्तीस बिलियन डॉलर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं यानी इनका तकरीबन स्पेंड इतना हो सकता है वर्ल्ड ओवर ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और जिन लोगों ने वक्त रहते इस इंडस्ट्री में अपने कदम जमा लिए आज उनका सिक्का काफ़ी ज़्यादा चलता है इस इंडस्ट्री में उन्हीं में से एक आज हमारे साथ हैं हॉल स्टोर के फाउंडर अभिषेक व्यास चलिए जानते हैं उनसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में

उसके बाद फिफ्थ तक मैं इंग्लिश मीडियम में था और इंग्लिश मीडियम में मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पढ़ाई करी जाए तो वहाँ पे सब हाई फाई लोग आते थे तो मुझे लगता था यार पढ़ाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा नहीं। तो मैंने मेरे पापा को बोला मेरे से तो नहीं होगा मैं तो हर बार फेल होता जा रहा हूँ आप मेरे को शिफ्ट कर दो मतलब हिंदी मीडियम स्कूल में शिफ्ट कर दो तो जैसे ही हिंदी मीडियम स्कूल में गया तो उनको लगा कि अच्छा इंग्लिश मीडियम का बच्चा आया अभी इसको कैसे पढ़ाया मतलब सब इसको आता होगा सब कुछ आता होगा बट वहाँ पे भी फेल हो गया बिल्कुल मेरे को तो कुछ आता नहीं था तो फिर मैंने बोला पापा मेरी फिर स्कूल चेंज कर दो तो फिर सिक्स क्लास से फिर टेंथ क्लास फिर ऐसा करके मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई वढ़ाई करी और बट मेरे पापा मेरे को बिजनेस में हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि अभिषेक अगर आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है लाइफ में तो आपको वो काम आना ही चाहिए

that just made me so good at uh, you know this language and uh, you know it just made me excel this language and that incident happened to me in 6th standard so main chhati class mein thi and i still remember the name of my teacher her name was raksha and उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी जो कि मैं आज अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूंगी जिनकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है They are not Really good at communicating in English, it could really help them. And that is कि आप जो भी बात करने वाले हो उसके बारे में जब आप सोच रहे हो तो अपने दिमाग में English में ही सोच क्योंकि जिस language में आप सोचते हो आप उसी language में बात भी करते हो तो उसके बाद से मैं हमेशा किसी से भी बात करने से पहले इंग्लिश में अपने दिमाग में क्रिएट करती थी सेंटेंस को और फिर मैं बोला करती थी सो दिस इज़ हाउ ऑफ़ यू नीड टू बी डेडिकेटेड अबाउट समथिंग इफ यू वांट टू बट दिस इज अ वेरी गुड टिप जिसने मुझे हेल्प किया श्योर कि बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकता है आपने हॉल स्टोर वेंचर को स्टार्ट किया 2020 जब मैंने इंजीनियरिंग को पास आउट कर लिया था okay. हुआ है कि मेरे को लगता था मेरे को पुलिस वाला बनना है अच्छा। मतलब मेरा जो एम बन गया था इंजीनियरिंग के बाद में पुलिस वाले बनना चाहता था और सब इंस्पेक्टर बनना चाहता था तो मैंने उस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मैं आरएस और ये तैयारी करने के लिए उदयपुर गया फिफ्टीन सिक्सटीन नंबर से मैं वहाँ पे रह गया मैंने बोला एक ही बार एग्जाम होता है क्योंकि ट्वेंटी फोर ईयर तक के पहले ही आप एग्जाम दे सकते हो ऐसे मेरे को ऐसा मेरे को पता था मैंने okay. कहा ठीक है यार आप दूसरा क्या कर सकते हैं तो मैंने सोचा कि बिजनेस कर सकते हैं right. तो बिजनेस करने के लिए थोड़ा सी मैं प्रॉपर्टी वॉपर्टी के अंदर घुसा तो उन्होंने बोला कि यार घर वाले बोलने लगे क्या प्रॉपर्टी में करोगे बिजनेस क्यों करोगे कौन कर सकता है मैंने बोला अब मेरे को या तो वो चाहिए या ये चाहिए दोनों में से तो उन्होंने बोला कि एम कर लो तो मैंने एमबीए करना स्टार्ट कर दिया मैंने कहा चलो ठीक है यार करते करते साथ में एमबीए भी कर सकते हैं एमबीए करने लगा दो साल बट मैं साथ साथ में नाइट शिफ्ट भी करता था पर 2000 जैसे ही अपना एमबीए खत्म हुआ उसके बाद मैंने सोचा कि अब ठीक है अब मैं बिजनेस करने के लिए पुणे या फिर कहीं दूसरी जगह चला जाता हूँ या फिर कुछ जॉब ढूंढूंगा कुछ भी करूंगा टू के अंदर मैं जब पुणे आया फिर मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ तो पाँच छः महीने निकल गए छत महीने निकल गए कुछ नहीं हो रहा फिर बैंगलोर से एक फ्रेंड का फोन आया कि यार तुम बैंगलर आ जाए अभिषेक यहाँ वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ पे ट्राई करेंगे मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं थोड़े दिन काम किया बट वो नौकरी किसी ना किसी रीज़न से वो हाथ से चली गई right. मैंने कहा ठीक है मैंने दूसरी मैंने कहा एक वापस जॉब ट्राई करते हैं कुछ और करते हैं पाँच छः महीने के लिए फिर मैंने एक दूसरी जॉब ट्राई की उसके बाद में मैं घर पे आया मेरे एक फ्रेंड की शादी थी मैं वापस राजस्थान आया बहुत खतरनाक इंसिडेंट है शायद बहुत सारे लोगों के साथ हो भी सकता है एंड दिस इज लर्निंग फॉर द व्यूअर्स कि क्या बात सुननी चाहिए क्या बात नहीं सुननी चाहिए तो मेरे दोस्त की शादी वादी हुई और उसके बाद मैं पापा ने बोला कि अभिषेक यार तू तो बहुत दूर चला गया अब हम तो हमारा इकलौता लड़का है अब तेरे को यही रहना है मेरे पापा मम्मी बोल रहे हैं क्या कर सकते हैं तो मैंने में दोस्तों बोला यार मेरे पापा मम्मी बोल रहे हैं यहीं रहने के लिए पापा उन्होंने बोला यार अभिषेक सुन मत कर ऐसा तो जाना चाहिए मैंने बोला नहीं, नहीं पापा मम्मी की बात तो सुननी ही पड़ेगी कुछ भी हो जाए तो okay. तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ मैंने बोला गे, गे, मेरे का ठीक है टिकट विकेट कैंसिल करा दी मेरी बाइक वहीं पर थी सब कुछ वहीं था सब कुछ कैंसिल हुआ जॉब छोड़ दी मेरे को लीगल नोटिस है वहाँ से कि आपने विदाउट इंटीमेशन के आपने जॉब छोड़ दी मैं आप क्या करूँगा तो मेरे को लीगल नोटिस आ गया मेरे को कोई नौकरी नहीं मिल सकती जॉब भी बिजनेस भी नहीं कर सकता उसके बाद में मेरे पापा ने मुझे बोला कि अभिषेक हम तो पेरेंट्स हम तो ऐसे ही बोलेंगे ये तो हमारा लाड़ प्यार है <laughs> oh <laughs> तो God, like मेरा, मेरा उस टाइम दिमाग ऐसा yeah. हो गया so, I, I can totally relate to that. अच्छा ये कई बार हम लोगों के साथ सच में होता भी right. है कि पेरेंट्स रोकते हैं उसके बाद हम वो रुक भी जाते हैं तुम करो ना तुमको फिर मैंनेशियल ज्वाइन किया बहुत बेस्ट कर रहा था मेरे को मजा भी आ रहा था मैंने कहा अच्छा लाइफ बेचूंगा और सबको सही वे में बेचूंगा तो मैं मतलब टॉप परफॉर्मर में आ गया सब कुछ आ गया मेरे को लगा अब मेरे को कॉल आया जयपुर से बोला कि आपको हम मतलब आप आपको आना है यहाँ पे मुझे लगा मेरे को प्रमोट कर रहे हैं पैसे तो वैसे बढ़ा देंगे अच्छा कुछ कर देंगे <laughs> वहाँ गया तो मुझे बोला कि आपको नौकरी से निकाल रहे हैं फिर मैंने मेरे दोस्तों को फ़ोन लगाया बोला कि क्या कर सकते हैं बोला यार अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तेरा तो ड्रीम है ही तू आ जा मैं कहा यार ये तो मज़ा आ गया मैंने कहा मैंने कहा ठीक है मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ आपको मेरे को कुछ नहीं चाहिए मैं जा रहा हूँ वापस तो फिर मैं काम करना स्टार्ट किया और मैंने एक अच्छी खोल दी आई टी सोल्यूशन की जिसमें सबसे बेस्ट कंपनी हमने खोल दी oh, दो साल तक हमने उसमें जम के काम किया फिर हम तीन पार्टनर उसके बाद मेरी शादी होगी मेरी एंड कुछ टर्निंग प्वाइंट ऐसा है की हमको घर से निकाल दिया गया कि बोला की नहीं है अभी तुम यहाँ नहीं रह सकते तुम खुद का घर बनाओ का सब कुछ लाइफ में एकदम क्रैश हो गया था मतलब कुछ भी नहीं चल रहा में। मेरे को बहुत सारी लर्निंग्स भी मिलती रही थी साथ, साथ में कि भी है, कौन सा तरह का किया, नहीं। वो भी नहीं चला। फिर मैंने उसके बाद ग्रोसरी का बिजनेस स्टार्ट किया वो भी नहीं चला सब बंद होते फिर मैंने एक बात सुनी थी लाइफ में कि अगर आप इस सिक्के को दस बार उछालते हो तो ना तो दस बार टेल आता है ना ही दस बार हेड आता है ट वन चांस यू स्टेप ऑन द पैडल एंड ड्राइव एट द फुल स्पीड वो चीज़ मेरे साथ भी हुई मैंने नौ दस बार मेरे सिक्के उछाले नौ बार सेम चीज़ आई पर दसवीं बार में हेड आया अब मैं जिस कंपनी में जिस जहाँ पे जिस पोजीशन पे था तो मेरे साथ एक लड़का था उसने बोला कि अभिषेक यार हॉल वीडियोस करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफी चल रही है मेरे क्लिक करके मैंने कहा यही ट्रू पोटेंशियल है अभिषेक अब इसको नहीं छोड़ना है फिर मैंने एक बात और सीखी थी जो मेरी पूरी लाइफ की जेंडी थी कि अगर निश्चित को छोड़ के हम अनिश्चित की ओर भागे तो शायद वो हमारी सक्सेस को डाउट में लेके आ जाएगा मैंने कहा अभिषेक अब तो इसी में करना है अब चाहे छह महीने में आठ महीने में दस महीने में एक साल में पैसा कमा के दिखाना तेरे को अच्छा इट हैपेंस अ लॉट विद यू नो विद अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली कि जब तक वो एक मुकाम पर पहुंच नहीं जाते हैं है। उससे पहले कई मोड़ आते हैं जहां है। पर उनको जाना पड़ता है उनके थ्रू गुजरना पड़ता है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू इवेंचुअली कम बैक टू द गोल ऑफ योर लाइफ एंड दैट ऑल्सो हैपन इन योर केस सो नाउ यू थॉट चलो अब हॉल वीडियो करके है नाउ आई नो कि मुझे इसमें ही काम करना है तो आपने हॉल स्टोर करके अपना वेंचर स्टार्ट किया अब right. इसको आगे बढ़ाने के लिए फिर आपने क्या स्ट्राटेजी को अपनाया और कितने इन्वेस्टमेंट के साथ आपने किया था दस पंद्रह लाख वाइफ को पता नहीं था कि अभिषेक पैसा तो अपने पास है नहीं सपोर्ट हमारे पास है नहीं लोग हमको जानते हैं नहीं कोई कुछ है नहीं अगर हमारा सारा पैसा वेस्ट हो गया तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है उसमें रिस्क लिया मैंने कहा नहीं यार मेरे को अब लग रहा है की यही होगा और होगा ही होगा या कुछ भी हो जाए जब मैं आपकी स्टोरी सुन रही हूँ या फिर मैं जितने भी अपने गेस्ट से बात करती हूँ उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रिस्क जरूर लिया होता है उसके बाद ही आप यू नो वो मुकाम हासिल कर पाते हैं जिसकी मुका हमेशा से ही कामना करी होती है एंड यद यू वो मैंने पूरा पैसा पूरा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जैसे ही बिजनेस में विद इन शॉर्ट पीरियम में मैंने बना लिया कि भैया कि मेरे को अच्छा छह महीने में मुझे पैसा बना लेना है तो जैसे ही मैंने पैसा बनाना चालू किया मेरे को लगा कि अब सब कुछ हो सकता है फिर मेरे को सेल्स का एक्सपीरियंस था सबका एक्सपीरियंस था देन मैंने अमेजन जैसी कंपनी फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी बिग बास्ट अलग अलग सारी कंपनीज को मैंने टैग टा, करना चालू किया जैसे ही मैंने टैग किया तो सारी कंपनी मेरे साथ एसोशिएटेड हो गई क्योंकि नहीं। नहीं। उनको पता था कि यही फ्यूचर है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज द फ्यूचर अगर आपने इन्फ्लुएंस अगर आप सही इन्फ्लुएंसर को पकड़ लिया तो शायद आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बूम पे चला जाए तो हमने टू से लेकर टू तक ऑलमोस्ट फोर्टी थाउजेंड क्रिएट किए हैं जो कि इंटरनेट पर नहीं थे आज हम यूट्यूब जैसी कंपनी के साथ में भी काम कर रहे हैं वो खुद चाहते हैं कि हमारा उनका प्लेटफॉर्म घूम पे जाए लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस उनके प्लेटफॉर्म पे बनाए और एंगेजिंग प्लेटफॉर्म बनाए

तो वट योर विजन एंड हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बिन लाइक लर्निंग के बारे में ये थी कि पहली जो मैं लर्न जो मेरी मिस्टेक थी कि प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में मैं कभी नहीं सोचता था हमेशा स्केलेबिलिटी के बारे में सोचता था कि यार बिजनेस में धंधा तो आ नहीं रहा है और आप स्केल करोगे कैसे करोगे उसको सबसे बड़ी मिस्टेक तो इसके लिए मैं यूवर्स को कहना चाहता हूँ कि निरर्थक सोच अगर आपकी करंट गोल आपकी करंट सिचुएशन से मैच नहीं करते हैं तो शायद आपकी सक्सेस डाउट में आ जाएगी

जो हमारा मेन है, है जितनी ज्यादा लड़कियों को हम ज्यादा घर पर बैठ के आराम से hmm. तो उनके लिए हम ब्रांड कॉलेबेशन सबसे ज्यादा लेके आते हैं और जो

और क्या क्या चीज आपको जरूरत पड़ती है आप क्यों so, बनना all all है? Right मैं लिंक जरूर और आप जाके जरूर कर सकते, इनके साथ ही so साथ इनका भी बूम करे, <laughs> आपका भी साथ में टॉक अबाउट दी ऑनटरियल गोल नाउ अब आप अगले पांच साल में दस साल में स्टोर को और कहा देखते हैं देखो तो हमारा गोल ये जितने भी क्रिएटर इकोनॉमी है वो काफी भी छोटी है अभी आप मान के चलोगे कि एक लाख इन्फ्लुएंसर ही होंगे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे mm. उसमें से भी ट्वेंटी परसेंट लोग ही एक्चुअली अच्छा पैसा कमा रहे हैं ट्वेंटी परसेंट लोग ही पूरी इंडस्ट्री को चला रहे हैं सो व्हाट वी वांट कि हंड्रेड परसेंट इन्फ्लुएंसर सामने आए जो भी बनाना चाहते हैं सब लोग सामने आए उनको जितने ज़्यादा कॉलिबेशन हम दे सकेंगे जितना ज़्यादा एम्पावरमेंट हम कर सकें वो मेरा गोल रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक लाख से दो लाख इन्फ्लुएंसर हो जाए तीन लाख इन्फ्लुएंसर हो जाए

तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है व्हाट आर योर व्यूज देखो अपनी अगर किसी को भी एंगेजमेंट अगर बरकरार रखनी है तो आपको जो कंटेंट है वो वक्त के साथ चेंज करना पड़ेगा अगर आप स्टेग्नेट होकर एक ही कॉन्टेंट कंटिन्यू क्रिएट कर रहे हैं तो शायद आपका चैनल एक टाइम पर डेड हो जाएगा क्योंकि आपको लोग इतना देखना पसंद नहीं करेंगे बार बार ये जर्नी एक बॉलीवुड स्टार की जर्नी की तरह ही आती है कि एक बार पीक आता है बहुत सॉलिड पीक आता और है और उसके बाद वापस डाउन आ जाता है फिर नए सितारे उभरते हैं

और हम बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं यू you नो know, जिनके बारे में हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं बहुत ज्यादा और हमने अभी अभी बात भी करी है इस बारे में कि कैसे कई लोगों का बिजनेस ऐसे बूम करता है रातों रात वो स्टार बन जाते हैं रातों रात वो वापस से यू you नो know, कहते हैं ना आज से वापस फर्श पर आ जाते हैं तो उन जैसे लोगों को आपने एक टिप तो दे दिया कि हाँ किस तरीके से उनको इंगेज रखना चाहिए लेकिन क्या ट्रेंड्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो डिपेंड करता है कि आपके कौन सी ऑडियंस बनाई है आपकी कि ट्रेंड के साथ फॉलो करना मतलब कोई गाना आ गया काचा वाला तो आप पागलों की तरह उसमें बनाया जा रहे हो बनाया जा रहे हो बनाया जा रहे हो ठीक है बन गया बहुत सारा बन गया अब आप भी ऑडियंस को वही दिखाओगे तो क्या मतलब है okay. जो आप ओरिजिनली जो आपका कंटेंट है अभी कोई फाइनेंशियल yeah. का इन्फ्लुएंसर हो वो भी काचा बादाम पे डांस करके फाइनेंस का पता लग जाएगा अच्छा आप ये ग्रो कर रहे अच्छा लोगों को लगेगा तो मेरे को बेकू बना रहा है अभी

दैट इज़ वाई यू फेल सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस चीज़ में बेहतर हैं आप वही काम करें और आप उसमें ही एक्सेलेंस हासिल करेंगे और उसमें सक्सेसफुल भी होंगे यू you नो know, अभी हमने बहुत सारी बात कर ली बट नाउ आई वॉन्ट टू गो हैड एंड हैव दिस ब्यूटिफुल सेगमेंट गोइंग ऑन विद यू एक बहुत ही छोटा बहुत ही फन हमने सेगमेंट ऐड किया है हमारे शो आत्मनिर्भर भारत के साथ एंड इस शो में बेसिकली हम बात करते हैं जर्नी के बारे में ऑन्टरपनॉट्स की तो हमने सोचा कि ऑन्टरप्लॉट से रिलेटेड एक प्यारा सा फन सेगमेंट भी ऐड कर दिया जाए ताकि हमारे ऑडियंस को भी कुछ सीखने को मिले उससे भी so okay. इसमें मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी जो कि entrepreneurial based होंगे okay. आपको उसका बहुत जवाब देना है एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स इस सेगमेंट को बहुत पसंद करेंगे और साथ ही साथ इससे कुछ I सीखेंगे <laughs> Okay, 100%. you know I agree to that. Yeah. मेरे पास भी जितने भी हैं, uh, you know employees काम yeah. कर रहे हैं, they all are very young. and I feel कि youngsters बहुत ज़्यादा fuel add करते हैं, you know. हम तो बूढ़े बता तो रहे हैं। हम <laughs> चुंयांग। <too young>. yeah. <laughs> All right. Anyways, now number two is risk factor in business or same in general life कितना important होता है। Risk factor तो चाहिए ही चाहिए. Without risk, no ishq. No ishq. Oh my God. This is also something. Abhishek, you all, you have all my dialogues, you know, with you. I always say this. Risk है तो ishq है. that's just true risk hona is very important in your life now number 3 is competition with other startups you think ke is it important aap apna kaam karte jao apne pe focus karo competition to theek hai chalta rehta hai because without competition kuch hai nahi apna okay. kaam pe focus karo everything will be grow and there should be competition yeah. i guess yeah. it I mean. should be a healthy, healthy competition yeah. jahan aapko seek bhi rahe ho or you know yeah. you should not be jealous but you should envy yours you know uh, successful uh, uh, entrepreneurs around you नाउ नंबर फोर्थ इज टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज में व्हाट डू यू थिंक आपको एक ना एक टाइम तो आपका आएगा ही आएगा right. तो आप बस काम करते रहिए और अपने टाइम का वेट कर लीजिए ऑटोमेटिक सक्सेस मिलेगी नाउ नंबर फिफ्थ इज टीम को मोटिवेट कर रखने के लिए आपका मंत्रा क्या होगा मैं उनको घूमने ले जाता हूँ अच्छा ले जाता हूँ उनको घुमा ले जाता हूँ आप रील बनाओ

फॉर यू नो ऑल द रैपिड आंसर्स एंड आई एम टेलिंग यू की ये बहुत ही यूजफुल थे right. जो आपने दिए एंड आई एम श्योर कि इस सेगमेंट से हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत मजा भी आया होगा इस तरह के यू नो रैपिड फायर बहुत कम देखने को मिलते हैं स्पेशली ऑन्टरप्रिनोरियल बेस्ड क्वेश्चन पर सो आई एम श्योर कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा नाव अभिषेक थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो इट वॉज वंडरफुल टू हेयर अबाउट योर जर्नी एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग इट विद ऑल द व्यूअर्स आउट देर एंड आएम श्योर कि उन्हें हमारे इस जर्नी से और आपके जो भी आपने बातें की जो भी कॉन्टेंट हमने साथ में क्रिएट किया उससे वो बहुत कुछ सीखे होंगे थैंक यू थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच